शहर शहर कुदरत का जल कहर। जी हाँ, सितंबर का महीना शुरू हो चुका है लेकिन बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। कहीं जोरदार बारिश लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है तो कहीं पर नदियां आफत बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। वहीं पहाड़ों पर लैंडस्लाइड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। देखिए, यूपी के मथुरा में शुक्रवार शाम को हुई जोरदार बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। देखते ही देखते सड़कों पर समंदर बहने लगा। नजारा ऐसा था मानो दरिया रास्ता भटक कर रिहायशी इलाकों में आ घुसा हो। ये तस्वीरें मथुरा के स्वामी घाट की है। चौक बाजार की ओर से समूचे बाजार में लहरों का बहाव ऐसा है मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएंगे। लाल रंग की इस आल्टो कार के साथ कई गाड़ियां और रिक्शे इस सैलाब के साथ ही बह गए। इस पानी का बहाव स्वामी घाट पर यमुना की ओर से होता है जिसमें बारिश के दौरान अक्सर गाड़ियां बह जाती हैं। पानी का तेज बहाव रोकने के लिए यहां पर लोहे की एक जाली लगाई गई है लेकिन किसी कारणवश शुक्रवार को उसे हटा दिया गया था, लिहाजा जब भारी बारिश हुई तो हालात बाढ़ जैसे बन गए। पहाड़ों पर हुई बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। गोमुख से निकलने वाली गंगा का मिजाज तल्ख हो चला है। गंगा का बिगड़ता मूड लोगों को डरा रहा है। शिव की नगरी काशी में गंगा की उफनती लहरें दहशत और खौफ पैदा कर रही हैं। काशी में गंगा खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। वाराणसी में माँ गंगा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रही हैं। लिहाजा काशी के 84 घाट जलमग्न हो चुके हैं, मंदिर पानी में समा चुके हैं। अब गंगा की लहरें रिहायशी इलाकों का रुख करने लगी हैं। तटीय इलाकों को तो वो अपने आगोश में भी ले चुकी हैं। गंगा का रौद्र रूप देखते हुए जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी के मिर्जापुर जिले में भी गंगा के तेवर तल्ख हैं। जिले में गंगा अब खतरे के निशान से कुछ ही मीटर दूर रह गई है। यहाँ गंगा का जलस्तर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है जिसे देखते हुए माना जा रहा है कि ये जल्द ही खतरे के निशान को पार कर जाएगा। स्थानीय लोगों की माने तो इसी तरह गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो 2 दिन में गंगा तटीय इलाके में बसे गाँवों को अपने आगोश में लेना शुरू कर देंगी। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। जिले में 37 बाढ़ चौकियों को स्थापित कर उन्हें सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। इस समय जो स्तर है लगभग 72.5 मीटर का है और 5 मीटर अभी खतरे के निशान से नीचे है, किंतु कल ये देखा गया था कि जो 1 सेंटीमीटर पर घंटे बढ़ रहा था वो घटने लगा था और आज सुबह ये पुनः लगभग 3 सेंटीमीटर पर घंटे से बढ़ने लगा है, जिसपे ये बाढ़ की आशंका जिससे बाढ़ पिछली बार भी आई थी इसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। मैदान से इतर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ बारिश और लैंडस्लाइड का दौर जारी है। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पहाड़ी से हुए भूस्खलन के बाद भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिरने से हाईवे बंद हो गया है। चमोली के पास बिरही में ये लैंडस्लाइड हुआ है। अचानक पहाड़ी से काफी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े बोल्डर हाईवे पर गिरने लगे। लैंडस्लाइड के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पूरी तरह से बंद हो गया और हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बीआरओ हाईवे खोलने की लगातार कोशिश में जुटा है। लगातार 2 महीने से चमोली में लैंडस्लाइड हो रही है जिससे लोगों को रोजाना आवाजाही के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और ये वो वक्त रहता है जो कि मॉनसून जाने का रहता है, लेकिन ऐसे वक्त में भी देश के ज्यादातर जगहों पर हमें दिखाई दे रहा है बाढ़ और बारिश कहर बन करके टूट पड़ी है। खास करके पहाड़ी इलाकों में स्थिति और भी ज्यादा खराब है।